दुकान की सफाई करते हैं सर, जूता पॉलिश करते हैं सर, और खिलौने वगैरह बेचते हैं, आइटम डमरू वगैरह सर। लेकिन उनमें हमारा कुछ गुजारा नहीं है, गरीब लोगों में सर कुछ गुजारा नहीं है। मेरी वाइफ 200 रुपए कमाते, बच्चों का पेट भर जाता, लेकिन उससे आगे नहीं है कुछ भी। तो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो आप लोग? स्कूल में जाते बच्चे, ट्यूशन पढ़ते हैं, सरकारी में जाते, लेकिन उधर ज्यादा पढ़े देते नहीं। ऊपर वाली स्कूल है ना जो, उसमें ज्यादा पढ़े नहीं है बच्चों की, अच्छी पढ़ाई नहीं है, मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं देते। जैसे प्राइवेट स्कूल के अंदर हमारा एडमिशन नहीं हो पाता सर, प्रूफ मांगते, हमारे पास वो प्रूफ है नहीं सर, किसी के बने हुए सर, किसी के बने हुए, किसी के नहीं बने हुए सर, वो मांगते हैं प्रूफ सर, इस मारे हमारे बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। रोबिन भैया ने यहाँ ये एक छोटा सेंटर खोला है, तब से इन्होंने खोला तब से हमारे बच्चे थोड़ी तमीज सीख गए सर। अच्छा, और अभी धीरे धीरे पास प्रूफ है, किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास है भी नहीं। और जो जाट लोग इधर के हैं जो, वो प्रूफ बनाने नहीं देते, आगे से आके दबाव डाल देते, तो गरीब लोग बना नहीं पाते कुछ भी। अभी जो लेबर कार्ड पहचान पत्र बनने की आ रही थी समस्या, बनवाने की करी लेडी से गई, बहुत ज़्यादा किराया लगा के अपने पेट को रोक कर, लेकिन भूखे रह गए, उस जगह गए, लेकिन हमारा पूरा बना नहीं बिल्कुल भी, लेबर कार्ड नहीं बन चुके, और नहीं बने वो क्या, और पहचान पत्र बनवाने गए आगे, तो पहचान पत्र पर भी दबा दे, वो भी नहीं बन, आधे आदमियों का मतलब पहचान पत्र बिल्कुल भी नहीं है।